तो भाइयों ये है चेक पोस्ट गड़प्पू का, और ये पुल से रास्ता आता है गड़प्पू के पुल से, ये चेक पोस्ट है। तो यहाँ से हम नीचे को जाएंगे, चलते हैं नीचे को। ये रोड के बराबर से ही देखिएगा नीचे को रास्ता आ जाता है, बराबर से ही। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के तरफ, क्योंकि नदी के बीच में ही है कुआं। तो ये रास्ता वैसे पानी का है, जो इधर उधर इकट्ठा हो जाता है उसका है पानी का रास्ता ये। तो हम इसी में जाने की कोशिश करेंगे। ये पेड़ टूटा हुआ है, ये भी बना हुआ है कुछ पुराने समय का। और ये देखिए पेड़ कितना कितना विशालकाय पेड़ है, कितना विशालकाय पेड़ है भाई। ये भी ये देखिए, ये कुछ पुल उल बना हुआ होगा पानी के लिए, तो उसका है ये। तो ये पुल के पहले के होंगे, जब सुल्ताना डाकू हुआ करता था तो उसके समय के। तो ये जंगल है भाई। तो अभी लेके चलते हैं हम आपको नीचे और दिखाते हैं डाकू सुल्तान का कुआं। यहाँ से देख पा रहे होंगे, देखिएगा वो बीच में दिख रहा है। तो ये देखिए, ये बीच में दिख पा रहा होगा आपको, वहीं लेकर के चलूँगा मैं आपको। ये आ गए हम भाई नदी में, और ये दिख रहा होगा भाई, ये है डाकू सुल्तान का कुआं, यही है सुल्ताना डाकू का कुआं। बहुत ही मशहूर डाकू गुजरे हैं, डाकू सुल्तान। तो ये है भाई, आपने सुना ही होगा डाकू सुल्तान के बारे में। तो यही है उसका कुआं। ये गड़प्पू की नदी में बिल्कुल बीच में है, मैं देखता हूँ। और ढंग से ये है भाई, तो ये है डाकू सुल्तान का कुआं। तो दोस्तों ये है डाकू सुल्तान का कुआं, यही है, इसके बीच में एक पेड़ आ गया है, तो इसी को कहते हैं डाकू सुल्तान का कुआं। और बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना। इस पर वैसे कोई किसी भी तरह का कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया है, कोई टिकट वगैरह नहीं है, बीच नदी में है ये। तो देख लीजिए, मैं आपको और करीब से दिखा देता हूँ। ये वहां तक है भाई, इसके अंदर का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से है ये है, देखो भाई ये है सुल्ताना डाकू का कुआं, ये आप देख रहे हैं। तो ये है अंदर से कुछ इस तरीके का, इसके अंदर पेड़ है, ये है भाई सुल्ताना डाकू का कुआं। तो बहुत ही फेमस है,
सुनने में बहुत कुछ आता है इसके बारे में। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर सुल्ताना डाकू जितना सोना लूट करके लेके आता था वो सब इसी में डाल दिया करता था, इसी में इकट्ठा करता था, और इस उसके पास एक उसका घोड़ा था जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी से वो यहाँ आया करता था। ये है भाई जो इसके पास नदी से पानी जाता है, ये वो नदी है। फिलहाल आपको सूखी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब बरसात का पानी आता है तो ये एक विशाल काय अपना रूप धारण कर लेती है। आप देख ही सकते हैं, ये देखिएगा कुआं कितना ऊंचा है। ये सब ज़मीन में हुआ करता था और आज ये पानी के कटाव की वजह से आधे से ज़्यादा ऊपर है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये पानी कितनी स्पीड से इस नदी में आता है। तो यही है भाई डाकू सुल्तान का कुआं, और ये उसी के समय में लगभग स्कूल बना था आई थिंक, नीचे से काफ़ी पुराना है, अभी पढ़ाई चल रही है। तो ये सब है, बहुत समय से इसमें अभी पानी नहीं आया है। वैसे इसमें थोड़ा बहुत चलता रहता है लेकिन अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से है, फ़िलहाल अभी इसमें कोई पानी नहीं है, तो ये सूखी पड़ी है सब, धूप काफ़ी तेज़ है। और ये तो ये देख लीजिए अभी ये नदी आगे को जाती है, ये यहाँ से बहुत बड़ी नदी है। यहाँ वैसे जानवर भी आ जाते हैं, जंगल काफ़ी घना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अब आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में। यार तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं आप, व्यूवर्स के लिए मेहनत करते हैं, तो आप सभी व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगा यार हमारे चैनल सैफी लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत कुछ हो जाता है। तो कृपया मेरे चैनल सैफी लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए